हाय गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों से फिर से मिल रहा हूँ और आज मैं उस मूवी का ट्रेलर को रिएक्ट करने वाला हूँ और ट्रेलर देखने वाला हूँ इतने दिनों के बाद। ये ट्रेलर बहुत पहले रिलीज हो गया था और अब तो कोई गाना वाना भी रिलीज हो गया इसका, पद्मावती। दिट इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी, और एंटिसिपेटेड इसलिए क्योंकि इसके अंदर मेरा फेवरेट एक्टर है यार, मतलब रणवीर सिंह। जो लुक, जो उनका पोस्टर आया ना, जबरदस्त था एकदम। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये पद्मावती का ट्रेलर रिएक्शन है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि भंसाली सर की जितनी भी मूवीज़ होती है ना, उनमें कुछ एक तो अलग बात होती है। वो पूरा घुस के निचोड़ के बनाते हैं मूवी, और देखते हैं कैसे रहता है पद्मावती। ऑफिशियल ट्रेलर 1 दिसंबर को आने वाली है और आज 1 नवंबर है, और मैं एक महीने पहले इस मूवी का ट्रेलर पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग मी। और तुम लोगों के साथ बैठ के जो ट्रेलर रिएक्शन देखने का मजा है, वो किसी और के साथ नहीं, अकेले बैठ के देखने में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी तक नहीं देखा है, ऑल्दो मैंने गाना सुना है। वो इसलिए सुना है क्योंकि ये जियो म्यूजिक के अंदर फ्रंट पेज पे था, घूमर घूमर करके कुछ गाना है इसका, पद्मावती का। वो भी अच्छा गाना लगा मेरे को। गाने तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, भंसाली सर खुद घुस जाते हैं मेकिंग ऑफ समथिंग किसी भी मूवी, रामलीला और ये सब में जाके देखोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा कि वो कितना ही एफर्ट डालते हैं ये मूवी बनाने के लिए। ज्यादा बात ना करते हुए ये चालू करते हैं। 3, 2, 1 Viacom 18 मोशन पिक्चर्स, भंसाली प्रोडक्शन। पिक्चर तो ऑसम होने ही वाली है ये। Effect, very nice effect, very nice background, और इतने सारे लोग और इतना huge setup, although not huge as Bahubali, अभी देखा नहीं पर लेकिन let's see, पर ये बिल्कुल रजवाड़ा और बिल्कुल ऐसा वाला feel वाली चीज, बाजीराव मस्तानी types, oh she is looking very nice, बहुत ही delicate, बहुत ही elegant, शाहिद कपूर, honestly बताऊंगा मेरे को शाहिद कपूर not expecting इतना, पर लेकिन आई डोंट नो, मूवी देखने के बाद पता चलेगा। शाहिद कपूर मेरे को थोड़े से अलग रोल में ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट इसमें ही इज लुकिंग वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इन दोनों का पेयर क्यों बन रहा है, वो अलाउद्दीन खिलजी की तरह। ये रणवीर सिंह, यो मैन, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा, बाल बहुत अच्छे, वाह यार, मतलब रणवीर सिंह ने जिस हिसाब से बाजीराव मस्तानी में पोर्ट्रे करा था ना अपना कैरेक्टर, अगर इसी के हिसाब से ये वाला भी कर दिया ना, फाड़ बनने वाली पिक्चर, फाड़। तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वाह, डायलॉग डायलॉग, नाइस इफेक्ट, आई लाइक इट। रणवीर सिंह का जो एटीट्यूड है ना इसके अंदर, खतरनाक होने वाला है, खतरनाक। ओ इसमें अच्छा लग रहा है, ये शायद तो पूरा अच्छा लगा तुम्हें, ये लुक खतरनाक लुक, बॉडी यार कितना अच्छे से मेंटेन, अपने आप को एकदम रिफ्ट रखा हुआ है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। दाढ़ी तो एक अलग ही टाइप से आती है इसकी, तो मतलब मेरी तो मतलब कभी आए ना ऐसी दाढ़ी, इस बार ट्राई करूंगा पूरी ऐसी दाढ़ी बनाने के लिए। ट्रेलर में ज्यादा कुछ कहानी बताई नहीं है इन्होंने, तो मतलब इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, बट सिर्फ मेजर कैरेक्टर्स दिखाए हैं, दीपिका शाहिद और रणवीर सिंह, ये तो मोशन पोस्टर था। आई लाइक हिम, क्या खा रहा है? गेम ऑफ थ्रोन्स का थोड़ा सा कैरेक्टर टाइप लग रहा है। वाव यार, ये 70mm स्क्रीन पे देखने में जो मजा आएगा ना, पद्मावती में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। ओह दैट्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा डायलॉग। 1 दिसंबर को होने वाली रिलीज, ट्रेलर देख के मैं ऐसे बोलूंगा कि मतलब ये ट्रेलर बेसिकली पूरी कहानी तो बता नहीं रहा और कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि हमने मूवी में कितना एफर्ट डाला और कितनी सारी चीजें करी हैं। और द प्लस पॉइंट्स, रणवीर सिंह बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बाजीराव मस्तानी में उनको देख चुका हूँ और ऐसे इसमें देख रहा हूँ, तो मैं
जानता हूं कि हाँ ठीक है वो इस रोल को भी अच्छे से निभा देंगे, क्योंकि बाजीराव मस्तानी में जो बाजीराव का रोल था वो खतरनाक रोल था और बहुत ही अल्टीमेट तरीके से करा था, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये वाला रोल भी वो जबरदस्त करेंगे। द ओनली नेगेटिव थिंग मे बी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम शाहिद कपूर, मेरे को शाहिद कपूर थोड़े से ऐसे यू नो थोड़े एक्टिव रोल में अच्छे लगते हैं, मतलब जब तक मूवी देख नहीं लेता। भंसाली सर ने शायद शायद सर को लिया है तो मे बी कुछ ना कुछ तो सोच के लिया होगा, पर लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम शाहिद कपूर। शाहिद कपूर की बजाय मुझे नहीं पता किसको होना चाहिए था, पर लेकिन लेट्स सी। शाहिद कपूर बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तीनों ही बहुत अच्छा लग रहे हैं। पूरे ट्रेलर के अंदर सिर्फ यही दिखाया है कि हमने देखो कितना बड़ा सेट लगाया, कितना ही अच्छा वो करा, जो कि है एक्चुअली में है, और एक दो डायलॉग्स हैं। रणवीर सिंह की आवाज नहीं थी यार इस ट्रेलर में, मेरे को रणवीर सिंह की आवाज सुननी थी, इसके अंदर सिर्फ एक्शन एक्शन थे, सिर्फ एक्शन मतलब सिर्फ एक्शन एक्शन थे, और मेरे को आवाज सुनने का थोड़ी सी फील आती, थोड़ा अच्छा लगता देखने में और अच्छा लगता मेरे को, पर कोई बात नहीं ठीक है। लेट्स से आज 1 नवंबर है, 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली मूवी, ये 70 mm में देखने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सेटअप ह्यूज है। मतलब एक सीन था वो वाला जो वो मम्मी द मम्मी के अंदर वो सीन है ना जिसमें रेत का तूफान होता है और वो मुंह बन के आता है, यहाँ पे भी एक सीन आया था ट्रेलर के अंदर जिसमें रेत का तूफान है, और यहाँ पे अगर तुमने नोटिस करा हो तो वहां पे एक छोटा सा घोड़ा है, वो छोटा सा घोड़ा है। तो मतलब ये 70 mm स्क्रीन में जब इतनी बड़ी स्क्रीन में सिर्फ धुआं धुआं है और यहाँ पे एक छोटा सा घोड़ा भाग रहा होगा, मजा ही आ जाएगा, मतलब मजा ही आ जाएगा। फाइट सीक्वेंसेस क्या होंगे, ये वाली मूवीज देखने में ना सिर्फ ये अच्छा लगता है मेरे को, कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगना चालू हो जाता है कि भैया हिस्ट्री में ऐसे हुआ था, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे पद्मावती के बारे में कुछ नहीं पता। मूवी देखूंगा तो समझ में आएगा कि क्या है, ऑल्दो मैं सिर्फ ये जज कर पा रहा हूं कि शाहिद कपूर लड़ने गया होगा उनसे, लड़ने गया होगा और मे बी प्रॉब्लम हो गई होगी। और पद्मावती का जो लास्ट वाला डायलॉग था कि कंगन में भी उतनी ताकत होती है जितनी कि राजपूत की तलवार में होती है, तो फिर इन दोनों का समथिंग समथिंग मे बी दिस इज व्हाट आई हैव जज्ड अभी। और गाना मुझे अच्छा लगा था, वो घूमर घूमर जो भी गाना है मैंने जियो म्यूजिक पे सुना है, उसकी वीडियो नहीं देखी मैंने अभी तक, पर लेकिन इसके अंदर भी ट्रेलर के अंदर भी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। आई होप कि शाहिद कपूर भी रोल को जस्टिफाई कर दें, अगर कर दें तो वेरी गुड, अच्छी तो होने ही वाली है पिक्चर, पर लेकिन शाहिद कपूर कोई बात नहीं, मैं शाहिद कपूर का फैन हूं वैसे, पर लेकिन थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं कि कैसा रोल होगा, कैसा रोल, वो वाला फील नहीं है यार, वो वाली पावर नहीं है जो पावर होनी चाहिए ना एक ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए, वो पावर आ जाए ना तो फिर तो मजा भी आए, पर लेकिन कोई बात नहीं। चलो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, बिल्कुल यहीं पे खत्म कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो या नहीं, मे भी हो सकता है तुम डिसएग्री करो, पर लेकिन अगर एग्री करते हो तो लाइक का बटन दबा देना, डिसएग्री करते हो तो डिसलाइक का बटन दबा देना, ताकि मुझे पता रहे कि एटलीस्ट तुम आए और तुमने देखा और तुमने थोड़ा सा तो टाइम दिया मेरे को भी। तो ज्यादा कुछ बात ना करते हुए आज के दिन की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। जितने भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे वेलकम टू माय चैनल, सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना मत जाना, कोई भी रिक्वेस्ट हो कैसी भी रिक्वेस्ट हो प्लीज मुझे मेरे चैनल पे पोस्ट कर दो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे, बाय बाय।